तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक बार ऑडियो वीडियो बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है, इज एवरीथिंग फाइन। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट टू करने जा रहे हैं। कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और आज हम लोग ना यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट टू करने जा रहे हैं। आज हम लोग, कल हमने केवल जस्ट बात की थी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बाद आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां से कल हमने लीव किया था। तो आई होप, मतलब कल तक का जो पार्ट है वो सबको क्लियर होगा। कल वाला पार्ट ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ना समझ में आया, और जिसको नहीं आया है वो जाके पुराना लेक्चर जो है वो देख सकता है, जो लोग भी आज देख रहे हैं, ठीक है। बाकी और लोगों को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए, दोज हु वॉन्ट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन अस। अदरवाइज हम लोग यहां से अभी जस्ट, जो लोग भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए जस्ट, दिस इज मी योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। एंड राइट नाउ जो सब्जेक्ट चल रहा है वो मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों के लिए चल रहा है। तो मैकेनिकल और केमिकल के दोनों स्टूडेंट, दोनों जो स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ से जो कवर अप कर रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं, 2022 के कुछ स्टूडेंट होंगे नो डाउट इसमें, बट और इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो 2023 एंड 24 ऑब्वियसली, ठीक है। 22 के जो भी स्टूडेंट हैं वो, जिनका रह गया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनका हो चुका है दैट इज ओके, ठीक है। चलिए मैं अपने बारे में बात करूं तो आई वॉज इन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मल्टीपल टाइम्स मैंने गेट क्रैक किया है, आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 1 लाख ऑफ स्टूडेंट्स। अभी तक की अगर मैं जस्ट बात करूं तो मैं मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को टीच कर चुका हूं। नेक्स्ट अगर मैं यहां से जस्ट अपने बारे में बात करूं तो ये मेरा चैनल है, दोज हु हैव नॉट ज्वाइंड येट वो ये प्लैनेट गेट मैकेनिकल का चैनल है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट इज नेम, व्हाट इज केआर, अच्छा केआर इज कुमार है, केआर इज कुमार, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं, केआर इज कुमार। चलो प्रांजल ने बता दिया, तो दिस इज अ चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां से जस्ट बात करना शुरू करें तो हमारे पास अनअकैडमी दो टाइप के पेड कोर्सेज देता है, वन इज प्लस एंड अदर इज आइकॉनिक। प्लस में अगर हम बात करें तो प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस रहते हैं, यहां से क्रैश कोर्स रहता है एंड अनलिमिटेड आपकी एक्सेस रहती है, आप कितने भी बार लेक्चर्स को देख सकते हैं। आइकॉनिक की बात करें तो प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ में आपको मिलता है पर्सनल कोच, आपको मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, आपको मिलता है स्टडी प्लानर, आपको मिलते हैं स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड लास्ट वन इज व्हाट, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि वो 2023-2024 के लिए अभी से प्लान करना चाहते हैं वो डेफिनेटली अभी से प्लान कर सकते हैं, और आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक में जो भी आपको चूज करना, यू कैन चूज इट, ठीक है। नेक्स्ट जरा आगे बात कर लेते हैं, दिस इज द फी स्ट्रक्चर। अगर हम यहां से जस्ट बात करें तो फी स्ट्रक्चर आपका 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 18 मंथ्स, ये आपका करंट फी स्ट्रक्चर है। तो आप यहां से जस्ट जो भी, मतलब बहुत ज्यादा फीस नहीं है, अगर आप 24 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो 1770 अप्रोक्सीमेटली 1800 पर मंथ पड़ता है, और इसका अप्रोक्सीमेटली 3100 पर मंथ पड़ता है। तो वट एवर जो भी आप लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं अगर आपको लेना है। अनअकैडमी आइकॉनिक में आपको यहां से ऑब्वियसली लाइव मेंटोरिंग मिलती है, तो दोज हु वांट टू टेक विल ले सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड त्यागी 100। इस कोड को यूज करने का मतलब बस इतना है कि मैं आपको सारी चीजें गाइड करूंगा कि आपको कब क्या कैसे करना है, किस टीचर से पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट करने, आपके जॉब के लिए कब कब कौन कौन से फॉर्म पे अप्लाई करना, तो वो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। ये अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस है, इसमें नो डाउट आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स मिलते हैं, रेज अ हैंड का ऑप्शन मिलता है, नेवर कभी आपकी मिस ना हो इसलिए क्लास, आपके पास नोटिफिकेशन जाता है लेक्चर के नोट्स, और आप लेक्चर को कभी भी कहीं भी वॉच कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। आगे जरा यहां से बात करते हैं, अनअकैडमी में आस्क अ डाउट, जब आप जाते हैं तो आपको इस क्वेश्चन मार्क टाइप का दिखता है, वहां पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं कभी भी कहीं भी, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, और ये सारा का सारा काम जो आप अपने घर पे बैठ के बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आई प्रिपेयर्ड फॉर द गेट 2020 मैकेनिकल, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, यस मैं स्टार्ट कर चुका हूं फ्रॉम द बेसिक, दो लेक्चर हो चुके हैं, आज थर्ड लेक्चर है विष्णु, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये आपका यहां से अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है इस संडे को 11 बजे, तो जो लोग भी कॉम्बैट में अपियर होना चाह रहे हैं वो अपियर हो जाएं, और अगर वहां पे इनविटेशन कोड पूछता है तो आप वहां पे इनवाइट कोड लगा सकते हैं त्यागी 100, और
इस वाले कॉम्बैट में अपियर होने का मतलब है आपको मिनिमम 15% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप यहां से जस्ट अपियर हो जाइए ताकि आपको मिनिमम 15% का डिस्काउंट मिल जाए। और ये केमिकल की जस्ट यहां से अभी नया हीट ट्रांसफर स्टार्ट होने वाला, तो आप यहां से हीट ट्रांसफर जस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली यहां से मैकेनिकल का फ्लूइड मैकेनिक्स अभी स्टार्ट हुआ है 10:30 बजे सुबह सुबह से, जो ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये अभी ऑफर चल रहा है 3+1 वाला, तो इसको ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, अभी इस वीक पर 20 वीक पे आपका पूरे वीक एक ऑफर आया, और वो ऑफर है आपका टोटल 20% डिस्काउंट का, 20% इन द सेंस 10+10 तो ऑलमोस्ट 17% डिस्काउंट का ऑफर है। ये आप यहां से जस्ट देख पाएंगे कि जो भी जितने भी लोग लेना चाह रहे हैं, जिसको भी लग रहा है, अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10,000 की सेविंग है, और अगर 18 मंथ्स का लेते हैं ऑलमोस्ट 13,000 की सेविंग है, 24 मंथ्स में ऑलमोस्ट 15,000 की सेविंग है। सिमिलर आपका यहां से प्लस में है, तो प्लस एज वेल एज आइकॉनिक दोनों पे ऑफर है इस वीक पे, तो आप जो भी चाहे वो आप ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको लेना है या नहीं, एंड जब भी आपको लेना है तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, द कोड इज व्हाट, त्यागी 100, ताकि आपको 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा और प्लस मेंटोरशिप मिले, ठीक है। गुड इवनिंग, तो आई थिंक आप सबके सब आ गए और अपना जो सेशन है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी ना कल मैंने कहां तक किया था, कल मैंने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात की थी, और मैंने आपसे जस्ट बोला था थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर एंड इट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। फिर मैंने एनर्जी के बारे में बोला था, एनर्जी हमने जस्ट बोला इट इज नथिंग, इट इज जस्ट आवर एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। फिर हमने एनर्जी के दो फॉर्म्स लिए थे, एक हमने लिया था लो ग्रेड एनर्जी, एक हमने लिया था हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी जो थी वो थी हीट, और हाई ग्रेड एनर्जी था वो दैट इज वर्क, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने थोड़ा सा आगे जस्ट बात करना शुरू की थी, फिर हमने यहां से लो ग्रेड हाई ग्रेड एनर्जी के बाद हमने जस्ट इसी में एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस किया था। हमने बोला था कि जो लो ग्रेड एनर्जी है उसको हम बोलते हैं बेटा डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जो हाई ग्रेड एनर्जी है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इतना सारा डिस्कशन करने के बाद मैंने एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस किया था। मैंने बोला था वो डिवाइसेस जो हाई ग्रेड एनर्जी में बेस्ड होते हैं उनमें हम लॉसेस कंसीडर नहीं करना चाहते हैं, और या हम चाहते नहीं है कि उनमें लॉसेस हो। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि उनकी इफिशियंसी जितनी मैक्सिमम हो, जो भी फ्रिक्शनल लॉसेस हैं उनको अगर हम हटा दें तो बस उतना ही लॉसेस होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी लॉसेस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली वो डिवाइसेस जो लो ग्रेड एनर्जी पे बेस्ड होते हैं उनपे हम जस्ट मानते हैं कि हाँ अप्रोक्सीमेटली 33% के आसपास हमें इफिशियंसी मिलती है। इतनी बातें हमने कल यहां पर डिस्कस कर ली थी, और विष्णु का कहना है कि आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स विल यू टीच फॉर द एप्लीकेशन। यस, एप्लीकेशन वाला पार्ट मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, आप चाहें तो लेट्स क्रैक GTSEME चैनल पे भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पहले थर्मो पढ़िए, थर्मो के बाद आप एप्लीकेशन पढ़िएगा, ठीक है। चलो अभी यहां से ना जस्ट हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ना एक छोटा सा पॉइंट है, मेरे ख्याल से सबको आता भी है, बट फिर भी अगर नहीं आता है तो हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिस्कशन है दैट इज ऑन, हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला हमारे पास ऑब्वियसली आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो हम जस्ट बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, सिस्टम के बारे में। अब जरा यहां से मुझे सारे के सारे लोग आई होप जानते होंगे सर व्हाट इज सिस्टम, अगर मुझसे जस्ट पूछे कि सर सिस्टम क्या होता है तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि सर सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब यार हम जहां पे हैं, जिस चीज को हम देख रहे हैं, जैसे आप अपने घर की बात करें तो आप बोलते हैं हाँ सर मैं घर में हूं, तो मेरा जो सिस्टम है वो मेरा घर है। आप अपने कॉलेज में हैं तो यस आप अपने कॉलेज में बोलते हैं कि यस मेरा जो कॉलेज है वो मेरा सिस्टम है। आप किसी सिटी में हैं तो यस बोलते हैं सर मैं इस सिटी में हूं, कॉन्टिन्यूसली जब भी आपसे बात की जाती। तो अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम इज नथिंग द रीजन अपॉन विच स्टडी इज फोकस्ड, वो रीजन जिस पे हम अपनी स्टडी फोकस करते हैं दैट रीजन इज नॉन ए सिस्टम। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि सिस्टम इज नथिंग वो रीजन जिस पे हम अपनी स्टडी फोकस करते हैं दैट रीजन इज नॉन एज सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने रूम की बात करता, हमने यहां से जस्ट बोला कि सर मैं अपने रूम की बात कर रहा हूं, तो यस मेरा जो रूम है वो मेरा सिस्टम है। हमने यहां से जस्ट कोई भी जस्ट बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज जा रहा हूं तो कॉलेज इज माई सिस्टम, या मैं अपने क्लासरूम में जा रहा हूं तो मेरा जो क्लासरूम है वो मेरा सिस्टम है। यस एवरीथिंग जहां पे वो जस्ट हमने बोला द रीजन अपॉन विच स्टडी इज फोकस्ड, वो रीजन जिससे हमें जहां पे हम अपनी स्टडी को फोकस कर रहे हैं, स्टडी को फोकस कर रहे मतलब हम एक्चुअली में किस पे फोकस, हम जैसे मैंने बोला मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं तो ये क्लासरूम जो है वो मेरा सिस्टम,
इसके बाहर जो कुछ भी है मुझे नहीं पता, मैं अपना सिस्टम जानता हूं। आप अपने घर में बैठे हैं तो आप यस यस अटेंशन टू स्टडी इज अटेंशन टू स्टडी इज सिस्टम ना, अटेंशन टू स्टडी मतलब आप क्या बात करना चाह रहे हैं, वो एक आप सिस्टम की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे, अटेंशन टू स्टडी का मतलब आप किसी प्रॉपर्टी की तरफ जस्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी ना थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अभी हमने यहीं से जस्ट इसके बारे में बात करना शुरू किया, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं अभी ना इस पे ही फोकस कर रहा हूं, तो सर ये रीजन है जिसमें मैं अभी फोकस करना चाह रहा हूं, सो दिस रीजन इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, और अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं सिस्टम के अलावा, तो मुझे अच्छे से पता है सर सिस्टम कैसा भी हो सकता है, सिस्टम कैसा भी हो सकता है, ये सिस्टम हमारे पास है, हम जिस पे फोकस कर रहे हैं वो सिस्टम सर यहां से इसकी ये जो है ना सिस्टम की बाउंड्री है, ये जो हमें यहां से दिख रही है ये सिस्टम की बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो सर हमें सिस्टम को डिफाइन कर देती है कि सर इसके बाहर नहीं, इसके अंदर का जो पार्ट है वो आपका सिस्टम है, एंड बाउंड्री के उस साइड चले गए तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम की बात कर रहा है, और एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम की बात करें तो दैट इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, इसके बाहर की अगर बात करें कि सर सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो हमारा क्या है, सराउंडिंग है, तो क्वेश्चन उसका यही रहता है कि सर आपने तो बहुत आराम से बोल दिया कि सर एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग, तो क्या वो सब कुछ जो सिस्टम के बाहर है वो सारा सराउंडिंग है? आप बोलोगे नहीं सर वो सब कुछ नहीं, वो चीज जो इस सिस्टम से रिलेशन रखती है, वो चीज जो इस सिस्टम से रिलेशन रखती है तभी तो हम उसको सराउंडिंग बोलेंगे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को हम सराउंडिंग कब बोलते हैं, जब हम किसी से अपने कंपेयर करते हैं, तो हमने जैसे किसी सिस्टम के बारे में बात की तो मैं दूसरे सिस्टम से कंपेयर कर रहा हूं तो हम उसको बोलेंगे वो मेरा सराउंडिंग। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मैं बोलूं और यूएस के मतलब प्रेसिडेंट के बारे में बात करूं तो मैं उनको क्यों बोलूंगा, उनको क्यों बोलूंगा मेरे सराउंडिंग, मैं अपने बारे में बात करूंगा और अपने से दूसरे के बारे में बात करूंगा जो मुझसे रिलेटेड है। तो सिस्टम और सराउंडिंग का मतलब बिल्कुल सिस्टम आपको क्लियर है कि द रीजन अपॉन विच स्टडी इज फोकस इज नॉन एज सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं अपने रूम में बैठा हूं, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में बैठा हूं, फॉर एग्जांपल मैं अपने क्लासरूम में बैठा हूं, अपने कॉलेज में बैठा हूं, दैट इज नॉन एज सिस्टम। और सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है, प्रोवाइडेड दैट कि उसका सिस्टम से रिलेशन होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि उसका सिस्टम से रिलेशन होना चाहिए, और अगर रिलेशन नहीं है तो फिर हम उसको सराउंडिंग कैसे बोलेंगे? करेक्ट, अगर हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है तो हम उसको कैसे सराउंडिंग बोलेंगे? तो ये तो आ गया आपके पास सराउंडिंग, एंड दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर आप इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे सर, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग के कंप्लीट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा, दिस इज नॉन एज यूनिवर्स, दिस कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज नॉन एज यूनिवर्स। हम यहां से जस्ट बोलते हैं बच्चे कि हमारे पास ये जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, दिस इज नोन एज यूनिवर्स। जरा यहां से हम लिख देते हैं, दिस इज नोन एज यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो मैं बहुत आराम से लिख सकता हूं कि सर यूनिवर्स इज नथिंग, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है दैट यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर मैं यूनिवर्स की बात करूंगा तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि सर ये सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, हमने जस्ट बोला कि सिस्टम कुछ नहीं, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है, जो उसके बाहर है वो हमारा सराउंडिंग है, प्रोवाइडेड दैट कि इससे रिलेटेड होना चाहिए, और जो इनको सेपरेट कर रहा है वो सर बाउंड्री है। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सेपरेशन वाला पार्ट है, जो बाउंड्री है, वो किसका पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है या सराउंडिंग का पार्ट है? जो बाउंड्री है वो आपका यहां से हाँ लुक लाइक वेन डायग्राम, यू कैन जस्ट सिंपली, वेन डायग्राम में भी तो यही बात करते हैं हम लोग, है ना, इतने लोग हैं जो सिस्टम में हैं, इतने लोग हैं जो सिस्टम के बाहर हैं, ऐसे ही तो होता ना, इतने लोग हैं जो चाय पीते हैं, इतने लोग जो हैं वो चाय कॉफी पीते हैं, तो सिस्टम वाले कौन हो गए, चाय वाले, कॉफी वाले कौन हो गए, सराउंडिंग वाले। करेक्ट, तभी तो आपने यहां से जस्ट बोला नहीं इलेक्ट्रिकल गेट के लिए नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गेट के लिए नहीं है, तो जस्ट समझेंगे ना, अगर हम कॉफी पीने वाली बात करेंगे तो ऑब्वियसली कॉफी चाय के तो कंपैरिजन करेंगे ना, कॉफी चाय के तो कंपैरिजन करेंगे, तो हमने कंपैरिजन किया तो वहां पे भी सिस्टम सराउंडिंग की बात कर रहे थे। ठीक है, यस, चलो अच्छा मुझे जल्दी से बताइए, हम जस्ट बोल रहे हैं कि बाउंड्री जो है वो किसका पार्ट है, आई एम आस्किंग कि अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं
तो मुझे जल्दी से बताएं सबसे पहले कि जो बाउंड्री है वो किसका पार्ट है, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम और इट इज अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। बाउंड्री इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम और बाउंड्री इज अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। जल्दी से यस बनाए जल्दी से। अभिषेक ने बोला है कि ये सराउंडिंग का पार्ट है, बाकी लोग भी बताएं एक बार। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि बाउंड्री इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम और बाउंड्री इज अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, बाउंड्री इमेजिनरी है। सैलेंसर हैं, गुड इवनिंग सैलेंसर। अभिषेक ने बता दिया है सराउंडिंग, और कल आपका लेक्चर रहेगा 1 बजे सैलेंसर का, तो उसको ज्वाइन करिएगा। जस्ट आई वॉन्ट टू नो कि अभी मुझे बाउंड्री के बारे में बताएं। अरे ठीक है, अभिषेक ने बता दिया और बाकी लोग, अभिषेक 3 बार हो चुका, बाकी लोग भी बता दें, एटलीस्ट एक एक बार तो लिख देना किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ सिस्टम, पार्ट ऑफ सराउंडिंग। किसी ने पार्ट ऑफ सिस्टम बोला है, किसी ने पार्ट ऑफ सराउंडिंग बोला है, अभिनव ने सराउंडिंग बोला है, प्रांजल शर्मा ने सराउंडिंग बोला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो सुनिए अभी ना यहां से। इट इज इमेजिनरी, रजत सक्सेना ने बोला कि ये इमेजिनरी। देखो मेरी बात सुनो, बाउंड्री के बारे में अगर हमसे जस्ट बात किया जाए तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और उसके बाद हम लोग यहां से बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का पार्ट है। आप ये भी बता सकते हैं कि हाँ सर सिस्टम सराउंडिंग दोनों का भी पार्ट है। ठीक है, सराउंडिंग हो सकता है क्योंकि सिस्टम के अंदर तो सपोज करेंगे, बाहर तो सराउंडिंग। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमने यहां से बोला कि मैं अपना एक रूम लेता हूं, आप अपना अपना रूम ले लीजिए जहां पे आप सोते हैं। ठीक है, आप अपना रूम ले लीजिए जहां पे आप सोते हैं, ऑब्वियसली आप घर में होंगे। ठीक है, आप यहां से जस्ट अपने घर में होंगे तो घर के बाहर दूसरा भी रूम होगा साइड में, है ना, दूसरा भी रूम होगा साइड में। अब अगर दूसरा रूम होगा तो उनके बीच में ये वॉल लगी हुई है जो सेपरेशन है, ये वॉल लगी हुई है जो सेपरेशन। बहुत आराम से समझ लीजिएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। मैंने बोला कि सर ये मेरा ना सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है और ये मेरा सराउंडिंग है। मुझे जरा एक बात बताओ, मुझे जरा आप लोग एक बात बता दो कि अगर मैं यहां से जस्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, लेट सपोज, तो कैन आई से कि अगर मुझे सिस्टम का एरिया चाहिए होगा तो मैं सिस्टम का एरिया यही तो लूंगा, समझो। अगर मुझे सिस्टम का एरिया चाहिए होगा तो सिस्टम का एरिया यही तो होगा ना पूरा, और अगर मुझे इसका एरिया चाहिए होगा तो मैं इसका एरिया ये वाला लूंगा। मुझे जरा एक बात बताओ, कितने लोग इस बात को जानते हैं कि मैं जब भी रूम का एरिया लेता हूं तो मैं दीवारों का एरिया कंसीडर नहीं करता। क्या ये बात समझ में आते है? डिस्टिंग्विश कर रहा है ना सिस्टम एंड सराउंडिंग को। यस, ये डिस्टिंग्विश कर रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग को। इट इज लाइक इंटरफेशियल इमेजिनरी पार्ट। तो कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि सर जब भी मैं रूम का एरिया लूंगा तो मैं यहां से ये वाला एरिया लूंगा और मैं इस एरिया में कभी भी वॉल्स को कंसीडर नहीं करूंगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से ये वाला एरिया लूंगा तो इस एरिया में भी मैं कभी भी वॉल्स को कंसीडर नहीं करूंगा। इसका मतलब इस बाउंड्री को ना आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं ना ही आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर दोनों में ही इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो यह चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि बाउंड्री जो है यह ना तो पार्ट है सिस्टम का। बाउंड्री इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम, ना ही आपका पार्ट है सराउंडिंग का। ये ना तो सिस्टम का पार्ट है एंड नॉट, यहां से जस्ट बोलेंगे नॉट द पार्ट ऑफ सराउंडिंग। ये ना तो यहां से सिस्टम का पार्ट है ना ही सर ये सराउंडिंग का पार्ट है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्लियर है। तो इस वजह से कभी भी आपको मैंने यहां पे लिख भी दिया था यार, कभी एक बात बताओ, यूनिवर्स में आपके सिस्टम सराउंडिंग दोनों आते हैं, कहीं मैंने यूनिवर्स में सिस्टम प्लस बाउंड्री प्लस सराउंडिंग लिखा नहीं? लिखा ना, यूनिवर्स के अंदर सिस्टम प्लस सराउंडिंग लिखा ना। और अगर बाउंड्री किसी का भी पार्ट होता तो उसको कंसीडर कर देना यहां पर यार, बस इतनी सी तो बात थी। इसलिए मैंने पहले यूनिवर्स लिखा था कि एटलीस्ट अगर कोई यहां से समझ गया तो यहीं से बता देगा सर है ही नहीं किसी में भी, ना सिस्टम में ना सराउंडिंग में, अगर होता तो आप लिखते, समझ रहे हैं। इसलिए हम यूनिवर्स को सिस्टम प्लस सराउंडिंग लिखते हैं। सो जस्ट आप यहां से ध्यान दीजिए। अब बात आती है सर बाउंड्री फिर क्या है। बाउंड्री इज जस्ट अ सेपरेशन, ये केवल इनके बीच में सेपरेशन है, वो केवल इनको सेपरेट कर रहा है। बाउंड्री आपका रियल हो सकता है, बाउंड्री आपका इमेजिनरी हो सकता है,
घर में बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर इमेजिनरी, अरे तुम अपने रूम में बैठे हो और रूम की बाउंड्री बोलते हो, ये रूम की बाउंड्री है, क्या ये इमेजिनरी है, क्या ये इमेजिनरी है? ऐसा तो तुम रोड पे बैठ जाओगे जाके कि ये मेरा कमरा है और चारों तरफ इमेजिनरी है। नहीं, बाउंड्री रियल हो सकती है, बाउंड्री आपकी रियल हो सकती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, ध्यान से देखिएगा, बाउंड्री आपकी रियल हो सकती है, कैन बी रियल, कैन बी रियल, कैन बी इमेजिनरी, कैन बी इमेजिनरी, ठीक है, बाउंड्री आपकी रियल हो सकती है, बाउंड्री आपकी इमेजिनरी हो सकती है, बाउंड्री आपकी रिजिड हो सकती है, रिजिड तो है ना, कमरे की बाउंड्री है, रिजिड हो सकती है, बाउंड्री आपकी रिजिड हो सकती है, बाउंड्री आपकी फ्लेक्सिबल हो सकती है। आप यहां से बोलेंगे सर कैसे बात कर रहे हो, कब रिजिड कब फ्लेक्सिबल, कुछ तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यान से रिजिड और फ्लेक्सिबल का केस देखेंगे। रियल आपको क्लियर है, इमेजिनरी आपको कभी ऐसा हुआ ना, बाउंड्री आर बोथ रियल, यस। आप कभी भी देखा होगा, आपको जैसे कभी ऐसा होता क्लासरूम में, ऐसा बोला जाता है कि एक काम करो, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है ना, लेट सपोज मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और मैथमेटिक्स सबका कॉमन है, तो आपको बोल दिया कि काम करो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ना वो इधर बैठ जाएंगे, या 11 12 का चला दिया, या लेट सपोज कोई कॉमन सब्जेक्ट चला दिया गया, तो आपसे बोला गया केमिकल वाले इस साइड बैठ जाए, मैकेनिकल वाले इस साइड बैठ जाए। तो एक रूम था, यहां पे केमिकल वालों को बिठा दिया गया, यहां से मैकेनिकल वालों को बिठा दिया गया, ये सेपरेशन कर दिया। तो ये जो सेपरेशन है वो भी तो आपका क्या हुआ, बाउंड्री है। आप कभी स्कूल में गए हो तो स्कूल में भी आपको बोला जाता है गर्ल्स वाली ये रो लगेगी, बॉयज वाली ये रो लगेगी, तो बीच में क्या बनाया, बाउंड्री बनाई, वो इमेजिनरी बाउंड्री है, दीवार थोड़ा ना खड़ी की थी जाती वहां पे, पता चला नहीं जब 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 हमें यहां से लेट सपोज 26 ऑफ जनवरी आ रहा है तो वहां पे पहले क्या दीवारें बनवाई जा रही हैं, पहले दीवारें नहीं, ये वाली एक रो लगेगी फिर ये वाली एक रो, नहीं नहीं उन्होंने बोला रो को मिक्स नहीं करना है, मतलब बीच में इमेजिनरी बाउंड्री लगा दी है। तो बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये भी है, बाउंड्री सर रिजिड, यस रिजिड कंटेनर, रिजिड रूम, सारी की सारी रिजिड। फ्लेक्सिबल के केस में आप बोल सकते हो सर, आप देख लो ना, बलून मिलता है सर, बलून मिलता है ना, फ्लेक्सिबल बाउंड्री का केस है। अरे बलून छोड़ो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखते हो ना, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखते हो क्या, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के केस में ये बाउंड्री आपकी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, यस डेफिनेटली चेंज होती है, आपका पिस्टन जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे बाउंड्री चेंज होती है, तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री भी हो सकती है, ठीक है, रिजिड फ्लेक्सिबल। पॉइंट क्लियर है सबको बाउंड्री के बारे में, पॉइंट क्लियर है सबको बाउंड्री के बारे में। तो बाउंड्री यहां से आप फ्लेक्सिबल के केस में बलून लिख सकते थे, बलून लिख सकते थे, यहां से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिख सकते थे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिख सकते थे, आपके दोनों ही पार्ट यहां से काम करेंगे, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिख सकते थे दोनों के दोनों पार्ट आपके यहां से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रिजिड बाउंड्री, देखो रियल एंड रिजिड बाउंड्री में डिफरेंस पूछ रहे हैं। अब बच्चे अगर रियल और रिजिड बाउंड्री में डिफरेंस, अब जैसे हमारा बलून की बाउंड्री है वो तो फ्लेक्सिबल है ना लेकिन वो रियल है, रूम की बाउंड्री रिजिड है लेकिन वो भी रियल है, तो डिफरेंस क्या, रिजिड का मतलब जो जिसका कभी भी चेंज, जो बाउंड्री चेंज नहीं हो रही, फ्लेक्सिबल का मतलब जो चेंज हो रही, दोनों ही रियल। देखो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपका क्या है, रियल है लेकिन फ्लेक्सिबल है, रूम का या रिजिड कंटेनर ले लो तो वो आपका रियल है लेकिन रिजिड है, ठीक है। अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछा है यहां से, सर दोनों ब्रांच के स्टूडेंट को फायदा तो एक ही चीज पढ़ाया जाएगा तो बाउंड्री क्यों, अरे मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि घर में शादी में फूफा जी को बुलाना है, वो बोले नहीं मामा जी आ रहे हैं, सर आ तो दोनों एक ही शादी में रहे, अरे मामा जी अपने घर से आ रहे हैं, फूफा जी अपने घर से आ रहे हैं, बाउंड्री लगी है कि नहीं लगी है, मामा जी फूफा जी के घर से थोड़े ना आ रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इनको यहां बिठा दूं, इनको यहां बिठा दूं तो मैंने एक इमेजिनरी सेपरेशन लगा दिया है कि तुम यहां बैठोगे तुम यहां बैठोगे, समझ रहे, मैंने इमेजिनरी सेपरेशन लगा दिया, मतलब हमने बोला कि मिक्स नहीं होगे, केमिकल वाले मैकेनिकल में नहीं जाओगे, मैकेनिकल वाले केमिकल में नहीं जाओगे, मैंने बोला ये बाउंड्री है, मैंने कोई दीवार नहीं लगाई, मैंने बस एक बाउंड्री लगा दी कि तुम इधर नहीं मिक्स होगे, तुम इधर नहीं मिक्स होगे, ठीक है। रिजिड फ्लेक्सिबल दोनों के आपके पार्ट जो होंगे वो कैसे हैं, ऑब्वियसली रियल है, चाहे रिजिड हो तो, अरे रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब क्या है, जो सामने से तुम्हें दिख रहा है,
इमेजिनरी का मतलब क्या है, जिसको तुम इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो चलो अभी यहां से जस्ट बात कर सकते हैं, सर क्या इमेजिनरी बाउंड्री जो है वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री की तरह? यस, इमेजिन को तो कुछ भी कर सकते हो ना, अगर तुम्हें इमेजिन ही करना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मान सकते हो कि ऐसा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वो अपने आप चल रहा है, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। इमेजिनरी बाउंड्री वो तो डिपेंड करता ना, इमेजिनरी का मतलब बिल्कुल है कि आप उसको इमेजिन कर रहे हो, और इमेजिन कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लेवल तक इमेजिनेशन जा सकती है, राइट ना। तो इमेजिनेशन के बारे में तो हमें कुछ सोचना नहीं है कि नहीं सर हम कितना इमेजिन कर सकते हैं। एक मूवी आई थी, मैं जब बीटेक कर रहा था तो उस टाइम पे वो सपने में जाके गोली मारता था जाके, है ना, पता नहीं कौन सी मूवी थी, नाम भूल गया, तो मतलब वो उन पूरी मूवी इस पे थी, वो सपना देखता था फिर अंदर जाके सपने में घुसता था फिर दूसरे के सपने में घुसता था वहां पे गोली मारता था, है ना। तो इमेजिनरी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको आई होप मतलब ये बाउंड्री वाला पार्ट क्लियर होगा। तो सिस्टम, आप एक सिस्टम की डेफिनेशन में एक लाइन लिख लीजिएगा, द रीजन अपॉन विच स्टडी इज फोकस्ड, सिस्टम में डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द रीजन अपॉन विच स्टडी इज फोकस्ड। दिगंबर सर मैक इंटेलेक्चुअल, तो मतलब मैं समझा नहीं, हाँ चलिए, द रीजन अपॉन विच स्टडी इज फोकस्ड उसको बेटा हम यहां से बोलते हैं सिस्टम, और इसी में नीचे वाली लाइन से लिख लीजिएगा, नीचे वाली लाइन से, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग, हाँ मैं दिगंबर सर को जानता हूं, दिगंबर सर को जानता हूं, ठीक है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। और लिखिए इसी में एक लाइन नीचे से, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। मेरे ख्याल से ये आप लोगों ने बना लिया होगा, यहां पे जस्ट बाउंड्री वाला जो पार्ट है इसको आप लोग यहां से लिख लीजिएगा, बाउंड्री इज नॉट द पार्ट ऑफ, है ना, इसमें लिखा था नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम एंड नॉट द पार्ट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम नॉट द सराउंडिंग। बाउंड्री कैन बी रियल कैन बी इमेजिनरी कैन बी रिजिड कैन बी फ्लेक्सिबल, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। मूवी का नाम तो एकदम से याद रहता सर, है ना, मूवी का नाम तो आप मुझसे पूछो मूवी का नाम बता देंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो नहीं याद रख पाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, इसलिए होता है ना पिक्चर देखो तो जल्दी समझ में आता है ना, मूवी हमें जल्दी समझ में आती है। चलो बेटा अब मूवी जल्दी समझ में इसलिए आती है क्योंकि हम ना उसको बहुत बहुत अच्छे से एक हमारे अंदर मतलब जस्ट वो रहती ना क्या इच्छा रहती है कि हम उसको देखना चाहते हैं, और पढ़ाई जो होती है उसको हम जबरदस्ती करते हैं इसलिए उतना अच्छे समझ में नहीं आती। चले बच्चे इंसेप्शन, चलो तो मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट बेटा हम यहां से बात करते हैं कि भैया हमने सिस्टम के बारे में बात की, तो सर सिस्टम कैसा मतलब क्या सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं? तो हमने बोला सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो अभी ना हमारा जो डिस्कशन है वो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पे है। सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन है ना वो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पे है। आप जरा यहां से देखिएगा कि वो टाइप्स ऑफ सिस्टम में कौन से टाइप के सिस्टम की बात कर रहा है, किस टाइप के सिस्टम पे हमें डिस्कशन करना है, सुनते जाना। अब मैंने जब टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बेटा बात की तो एक हमें यहां से बहुत अच्छे से क्लियर है कि सर एक हमारा सिस्टम आता है क्लोज्ड सिस्टम, है ना, एक हमारा सिस्टम आता है क्लोज्ड सिस्टम और एक हमारे पास आता है ओपन सिस्टम। दूसरा हमारे पास यहां से आता है, हम जस्ट यहीं से बोलते हैं दैट इज ओपन सिस्टम, और मेरे ख्याल से आपको तीसरा भी याद होगा ओपन सिस्टम, और यहां से बच्चे तीसरा जो हमारे पास आता है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, तीसरा जो हमारे पास आता है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से इतना पार्ट आपको क्लियर है। अब पहले यहां से सिस्टम पे बात करना शुरू करते हैं, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, पहले ना इस पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अब जब हम डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन में हम क्या करना चाहते हैं, देखो सुनो, क्लोज सिस्टम को पहले समझना है ना, इसकी फीलिंग लेना कि क्लोज सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने बोला कि देखो एक चीज है लेट सपोज हमने यहां से एक सिस्टम लिया, कुछ इस टाइप से, एक हमने यहां पे सिस्टम लिया। अब आप यहां से जस्ट बोलेंगे कि सर मतलब लिया तो आपने वही है, फिर आप इतना क्यों मतलब इसको कर रहे हैं। मैंने कहा देखो दिखाता हूं,
देखो दिखाता हूँ तुमको सारी चीजें दिखाता हूँ, ऐसा थोड़ा ना कि मतलब ऐसे कुछ भी बोल दूंगा और तुमको समझ में आए या ना आए, बट मैं दिखाऊंगा तो जरूर। तो देखिएगा जरा यहां से, अब जरा यहां से जब देखोगे तो मैं आपको कुछ छोटा सा पॉइंट है जो आपको बताना चाह रहा हूं। ये आपका एग्जिट हो गया, ये आपका एंट्री हो गया, ये आपका एंट्री हो गया। अब सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूं कि आपके मामा जी आए थे, है ना, आपके मामा जी आए थे, मामा जी को जानते हैं ना, इमेजिन करो आपके मामा जी आपके घर में आए थे, है ना, आपके मामा जी आए और आपने यहां से क्या कर दिया, आपने बोला कि मामा जी नया नया कमरा एकदम से बढ़िया आपने घर बनवाया था और घर का आपको उद्घाटन करवाना था, तो मामा जी आए और घर में मस्त टाइप से एक रूम में एसी वेसी लगा था आपके वाले में, तो मामा जी से आपने बोला कि मामा जी चलो आओ कमरा दिखाते हैं, है ना। और जब कमरा आपने दिखाने की बात की तो मामा मामी दोनों दोनों लोग यहाँ पे थे, है ना। जब दोनों दोनों लोग यहाँ पे थे तो तुमने क्या किया, यहां से ये आपका एसी लगा हुआ था और इस एसी को ऑन कर दिया। अच्छा, जब इस एसी को ऑन कर दिया तो इसका तुमने क्या किया, रिमोट जो था वो अपने पास ले लिया। इस एसी को जब ऑन किया तो इसका जो रिमोट था वो तुमने अपने पास रख लिया और उस रिमोट से तुमने क्या किया, इसका टेम्परेचर है ना 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया रूम का, 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब आप बोलोगे सर 45 डिग्री सेल्सियस तो पॉसिबल ही नहीं है, 45 डिग्री सेल्सियस आपने यहां से क्या कर दिया, एसी ऑफ कर दिया, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा थी, एसी ऑफ कर दिया, टेम्परेचर आपने क्या कर दिया 45 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, आपके कमेंट नहीं देखना है मुझे, है ना, ये मतलब आपके इसमें आपकी क्लास में ऑफ क्यों होता है, आई डोंट नो, है ना, ऐसा कुछ इसको गुस्सा है आपसे। हाँ अच्छा, अब मेरी बात सुनो, तो आपने क्या कर दिया, एसी को ना यहां से ऑफ कर दिया। जब आपने यहां से एसी को ऑफ किया तो ऑफ करने के बाद अब इसमें गर्मी बहुत ज्यादा हॉट हीट होना शुरू हो, और यहां से आपने डोर जो था वो क्लोज कर दिया, एकदम से बाहर से लॉक लगा दिया, बाहर से आपने लॉक लगा दिया। क्या होगा, क्या होगा, मामा जी और मामी जी के साथ क्या होगा, मामा जी इस कोने में भागे, मामी जी इस कोने, एकदम से दौड़ते भागते हुए, बहुत गर्मी लग रही है, समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, क्योंकि तुमने डोर क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो मैं यहां से क्या बोल रहा हूं कि जब हम यहां से डिस्कशन करेंगे तो क्लोज सिस्टम का मतलब केवल इससे जो इंटरैक्शन हो रहा है वो हीट का इंटरैक्शन हो रहा है, हीट का मतलब एनर्जी इंटरैक्शन हो रहा है, एनर्जी एंटर कर पा रही, एनर्जी एग्जिट कर पा रही, इसके अलावा मामा जी और मामी जी ना एग्जिट कर पा रहे, ना ही एंट्री तो कर ही चुके हैं, अब वो एग्जिट एंट्री नहीं कर पा रहे, तो वो बेचारे यहां पे परेशान होकर दौड़ रहे, भाग रहे। व्हाट आई वांट टू से कि अगर हम यहां से देखें, जब आप दरवाजा खोलोगे तो मामा जी एकदम से आग बबूला होंगे, एकदम से बोलेंगे भाई क्या कर दिया तुमने, एकदम से गर्मी में परेशान कर दिया। ये वो कहानी है जब आप किसी भी सिस्टम पे केवल एनर्जी का इंटरैक्शन करते रहते हैं और उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं होने देते। तो अगर सेम मॉलिक्यूल्स रहते हैं तब हम यहां से बेटा इस सिस्टम को बोलते हैं कि क्लोज सिस्टम है। ध्यान रखना, हमने यहां से बोला नो मास एक्सचेंज, हम यहां से जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में कोई भी मास का एक्सचेंज नहीं कर रहे, तब हम यहां से जस्ट बेटा बोलते हैं कि ये हमारा क्लोज्ड सिस्टम है। मॉलिक्यूल्स वही रहने चाहिए, चाहे जो हो जाए, मामा मामी हमको वैसे ही दिखने चाहिए। जब हम बांदर एकदम से दरवाजा खोले तो हमको उनकी शक्ल दिखनी चाहिए कि मामा तुम हो, ऐसा नहीं मामा चाचा नहीं हो सकते, समझ गया मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब लेट सपोज तुमने यहां से दरवाजा खुला छोड़ दिया और इस कमरे में गर्मी जो थी ना बहुत ज्यादा थी, जब दरवाजा खुला छोड़ दिया, मामा यहां से आए थे, जैसे ही हीट यहां से होना शुरू हुई, टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो आपके मामा जी यहां से निकल गए। मामी जी ने बोला नहीं, कोई बात नहीं, भांजा है मेरा, है ना, मैं यहीं पे बैठूंगा, है ना, थोड़ी देर में कोई और आ गया, कुछ भी जस्ट ऐसा होता गया। मतलब क्या हुआ, आपने एक मॉलिक्यूल की यहां से एंट्री की, और जैसे ही मॉलिक्यूल की एंट्री की तो इसमें जब हीट बढ़ना शुरू हुई तो इस मॉलिक्यूल ने बोला अबे मैं नहीं रहूंगा इसमें, मैं यहां से बाहर जा रहा हूं। दूसरा मॉलिक्यूल यहां से चला गया, फिर यहां से एक मॉलिक्यूल आता गया, यहां से जाता गया। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों के केस में ध्यान रखिएगा, इसके केस में भी आपका मास जो है वो उतना ही है, इसके केस में भी मास उतना ही है, बस कहानी बस इतनी सी बदल गई है। इसके केस में मॉलिक्यूल्स वही है, मॉलिक्यूल्स का चेहरा नहीं चेंज हुआ है, इसके केस में मॉलिक्यूल्स बदल रहे हैं। मामा आए चले गए, चाचा जी आए चले गए, फूफा जी आए चले गए,
तो मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखना, हमने बोला कि मास अभी भी हमारा वही है, मास अभी भी हमारा वही है, सेम मास है, मास सेम है, बट मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज हो गए, मॉलिक्यूल जो है वो एक्सचेंज हो गए। तो जब जब मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होना शुरू हो जाए तब हम सिस्टम को बोलते हैं कि वो यस, तब हम सिस्टम को यहां से मामा मामी बेक दो गए गर्मी में, हाँ तब हम यहां से बच्चे सिस्टम को बोलते हैं कि वो ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम ऐसा नहीं बोले, अभी भी इसमें हम बोल रहे हैं कि इसका मास फिक्स्ड है, अभी हम यहां से बोले मास फिक्स्ड है, मतलब क्या, अगर यहां से 2 किलोग्राम आए 2 किलोग्राम बाहर निकाल दिया, 3 किलोग्राम है 3 किलोग्राम बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसका हमने यहां से जस्ट बोला अभी भी मास फिक्स्ड है, प्रोवाइडेड दैट कि अभी हम यहां पे फ्लो कौन सा ले रहे हैं, स्टेडी फ्लो ले रहे हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि अभी हम यहां पे कौन सा फ्लो ले रहे हैं, स्टेडी फ्लो ले रहे हैं, तो हमने यहां से जस्ट बोला कि सर इसका मास अभी भी फिक्स्ड है, बस यहां पे चेंज क्या आया, हमारे मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो गया, मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट आना शुरू हो गया, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था, तो इसी को बेटा हम यहां से बोलते हैं, इसी को हम लोग यहां से बोलते हैं, ये जो हमारा सिस्टम होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सॉरी हमारा यहां से क्लोज सिस्टम जो होता है इसी को बेटा हम यहां से बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम जब मास को कंट्रोल कर लेते हैं कि तुम अब बाहर नहीं जा सकते हो, देखो हमने तुमको बता दिया है तुम अब बाहर नहीं जा सकते हो, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। क्लियर होना चाहिए, एकदम से किसी को भी समझाओगे तो तुरंत समझा दोगे कि व्हाई वी से इट इज अ कंट्रोल मास सिस्टम, और इसके केस में हम जस्ट बोलते हैं कॉन्टिन्यूसली आपका मास आ रहा है जा रहा है, मास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम, मॉलिक्यूल्स जो है, हमने क्या बोला कि मास हमारा उतना ही है लेकिन सर हमारे मॉलिक्यूल चेंज होते जाते हैं, इसलिए हम यहां पे मास की बात नहीं करते हैं, हम बोलते हैं सर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो हम यहां से कंट्रोल वॉल्यूम की बात करते हैं, और इसी वजह से ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं, इसी वजह से हम इसको कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं। क्या ये बात एकदम से दिमाग में घुसी कि नहीं, कि वाई वी से क्लोज सिस्टम एज कंट्रोल मास सिस्टम एंड वाई वी से ओपन सिस्टम एज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, ये बात आपके दिमाग में एकदम से समझ में आनी चाहिए कि हाँ सर ने ऐसा ऐसा बोला तो किस लिए बोला है, किस लिए बोला, वो आपसे बोलेगा कंट्रोल मास सिस्टम क्यों बोला जाता है बता सकते हो, यस मैं बता सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, इसके मॉलिक्यूल हमेशा हमेशा, किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर अगर आप गैस को भर दोगे तो वो गैस पूरी जिंदगी वही रहने वाली है, तो हम इसको बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम, मास को आपने कंट्रोल कर दिया, ठीक है, इसके केस में आपका गैस एक आई दूसरी चली गई, एक आई दूसरी चली गई, एक आई दूसरी चली गई, अब आप यहां से बोलेंगे हाँ वॉल्यूम को कंट्रोल कर दिया, मास को कंट्रोल नहीं कर पाए, मास को कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, समझ पाए या नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। चलो तो हम बेटा यहां से जस्ट अब इसके केस में जब हम बोलते हैं कि मास का हमारा फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो जब कंट्रोल मास सिस्टम है तो हम यहां से बेटा इसको जस्ट नाम देते हैं, दिट इज नॉन फ्लो सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास नॉन फ्लो सिस्टम, ये हमारे पास नॉन फ्लो सिस्टम है जिसमें हमारा फ्लूड का फ्लो नहीं हो रहा, और ये जो हमारे पास है दिस इज फ्लो सिस्टम, ठीक है, दिस इज फ्लो सिस्टम, तो आप यहां से बहुत आराम से ये चीजें बता पाएंगे, करेक्ट। अच्छा अभी हम यहां से आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो मतलब देखो क्लोज सिस्टम का मतलब ये है, बिल्कुल क्लियर है कि मास का ट्रांसफर नहीं होगा, केवल केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ना, आप यहां से समझ जाइएगा, आप बहुत ज्यादा जगह तो है नहीं, हमने यहां से बोला मास ट्रांसफर जीरो, एनर्जी ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसमें केवल एनर्जी ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन सिस्टम के केस में आपसे जस्ट बोलेगा तो आप बोलेंगे मास ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो, मास ट्रांसफर तो होगा सर और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा, ये है। नेक्स्ट आता आइसोलेटेड सिस्टम, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, रटने को तो आप कुछ भी मेरे ख्याल से रटे रहते हो, है ना, रटने को तो आप 2 मिनट में, बट फीलिंग मैं जस्ट चाह रहा हूं कि आपके पास इसकी फीलिंग रहे। नेक्स्ट अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, यस, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, जिसमें हमारा ना तो मास ट्रांसफर हो, ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो, ना ही मास ट्रांसफर हो, ना ही एनर्जी, तो हमने क्या किया, इसको इंसुलेट कर दिया, इसको इंसुलेट कर दिया, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो रिजिड एज वेल एज इंसुलेटेड की बात करते हैं, रिजिड एज वेल एज इंसुलेटेड पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, हमने यहां से बोला कि सर रिजिड और इंसुलेटेड मतलब हमने यहां से बोला मास ट्रांसफर हमारा जीरो एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफर हमारा जीरो, मास ट्रांसफर जीरो
एज वेल एज हमारा एनर्जी ट्रांसफर जीरो। ये तीन सिस्टम का हम डिस्कशन करते हैं कि हमारा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ये तीन सिस्टम होते हैं और इन तीन सिस्टम को हम कैसे पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और यहीं से जस्ट इसी पे डिस्कशन और कर लेते हैं कि हमें इसके एग्जांपल, सर हमने क्लोज सिस्टम देखना है और हम क्लोज सिस्टम को कैसे देखेंगे, और हमें ओपन सिस्टम देखना है ओपन सिस्टम को कैसे देखेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम देखना सर आइसोलेटेड सिस्टम को कैसे देखेंगे। आप अगर क्लोज सिस्टम को देखना चाहें तो आप वही चीज ले लीजिए, मैंने अभी बलून के बारे में बात की थी। बलून के केस में अगर आप बात करेंगे तो बलून के अंदर आप कुछ भी भर लीजिए और उसके बाद आप उसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जो आपको करना है, तो आप उसकी में एनर्जी का इंट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर भरेंगे वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बलून आप क्लियरली बोल सकते हैं सर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे आपकी फुटबॉल आती है ना, या आपके पास कोई बॉल है उसके अंदर आपने बंद कर दिया, बंद करने के बाद आपने बॉल को कहीं क्लोज करने का आपके पास ऑप्शन था तो आपने क्लोज कर दिया, है ना। अब उसके अंदर आपने बस बॉल को इधर उधर फेंकना शुरू किया, सब कुछ करना शुरू किया, तो मुझे बिल्कुल क्लियर हुआ, मुझे बिल्कुल क्लियर हुआ कि क्लोज सिस्टम में आपका एनर्जी का इंटरेक्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब वो आपका यहां से जस्ट केवल केवल हमारा एनर्जी का मास का इंटरेक्शन है ही नहीं, तो हमने जस्ट बोला केवल केवल हमारी एनर्जी इंटरेक्ट हो रही होगी। ओपन सिस्टम के केस में हमें क्लियर है कि सर हमारा मास एंट्री एग्जिट कर सकता है, तो इसके केस में हमारा मास एंट्री एग्जिट कर, तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। आप पंप ले लो, आप टर्बाइन ले लो, है ना, सबसे बड़ा एग्जांपल तो ह्यूमन बॉडी है, अपनी बॉडी को देखो, ओपन सिस्टम है ना, एनर्जी मास दोनों का इंट्रैक्शन होता है, एनर्जी आती भी है एनर्जी जाती भी है ना, मास आपका एंटर भी करता है मास आपका एग्जिट भी करता है, तो ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, है ना। आप यहां से टरबाइन ले सकते हैं, टरबाइन में एंट्री भी करती है एग्जिट भी करती है, टरबाइन इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, है ना। आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना, ये एग्जांपल में यहां पे लिखना है। फॉर एग्जांपल क्लोज सिस्टम में आप यहां से जस्ट ले सकते हैं एग्जांपल के केस में, ठीक है। अगर यहां से क्लोज सिस्टम की एग्जांपल की बेटा बात करना शुरू करूं तो क्लोज्ड सिस्टम में आप यहां से जस्ट बोल सकते हैं सर हमारा बलून जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है, और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, है ना, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, वॉल्व वाला नहीं। तो अगर हम यहां से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात करें विदाउट वॉल्व, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, ये हमारे पास विदाउट वॉल्व का अगर आप बात करोगे तो आप यहां से बोलोगे इट इज लाइक दिस, है ना, ये आपका इस टाइप से है जिसमें आपका केवल एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है, ये एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है। आप यहां से बोल सकते हैं ओपन सिस्टम के केस में अगर आप बात करोगे तो सर ओपन सिस्टम में बहुत सारे एग्जांपल हैं, और बहुत सारे एग्जांपल में आपका टर्बाइन है, आपके पास यहां से पंप है, आपके पास यहां से टर्बाइन हो गया, पंप हो गया, आपके पास कंप्रेशर हो गया, कंप्रेशर के अलावा ह्यूमन बॉडी हो गई, ये सारे के सारे बेटा एग्जांपल किसके हैं आपके ओपन सिस्टम के, ह्यूमन बॉडी हो गई, इट इज एन एग्जांपल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहां से जस्ट बात करूं, आइसोलेटेड भी लिखा देता हूं ना, आइसोलेटेड भी लिखा ही देता हूं, एक हमारे पास आता है बच्चे आइसोलेटेड सिस्टम थर्ड वाला, तो आइसोलेटेड सिस्टम के केस में सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो ये यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं जाता है ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, एक्चुअल में हम उसके जितने भी यूनिवर्स लेते हैं उसके बाहर कुछ भी नहीं जाता। अब यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स के बाद हम अगर आगे डिस्कशन करना शुरू करें तो हमारे पास और भी हैं, जैसे हम लेके चलते हैं इसको, एज्यूम करते हैं कि कॉफी इन एन इंसुलेटेड फ्लास्क, ठीक है, कॉफी इन एन इंसुलेटेड फ्लास्क। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी जरा बताएंगे मुझे, नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, ये क्लास थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं क्या, नेक्स्ट क्लास आप लोगों की कब है, नेक्स्ट क्लास आपकी कब है, चलो कॉफी इन एन इंसुलेटेड फ्लास्क, तो हम यहां से जस्ट बोल सकते हैं कि हाँ सर हमारे तीनों हम तीनों के एग्जांपल हमें पता है। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं यहां से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, लेट सपोज हमारे पास बच्चे एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर आपका ओपन सिस्टम है या क्लोज्ड सिस्टम है, माय क्वेश्चन इज प्रेशर कुकर आपका ओपन सिस्टम है या क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, आपके पास मैंने यहां से लिख दिया ऑप्शन वन, यहां से ओपन, ऑप्शन टू और क्लोज, ठीक है, यहां से ऑप्शन वन ओपन और क्लोज्ड, तो हमारा ए और बी जल्दी से बताइए कौन सा होगा, ए और बी, ओपन है,
10 PM है, ओके चलो बताइए जल्दी से, ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। विनीत पाटिल का क्वेश्चन है सर, हीट ट्रांसफर क्यू का फॉर्मूला MCDT होता है, तो फिर हम क्यू फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हम फॉर्मूले से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? समझा नहीं आपका क्वेश्चन, नहीं समझा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बच्चे हम उसमें जब भी प्रोसेस की बात करते हैं तो हम इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस लेके चलते हैं, जब भी हम यहां से बात कर सकते हैं। बोथ बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ओपन, ओके यहां से विनीत पाटिल है ना, हम जब भी बात करते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में या जब भी वर्क ट्रांसफर जो भी है, अगर हम यहां से रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम वहां पे जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जितने भी प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो सारे के सारे इरिवर्सिबल है, बट हमें रिवर्सिबल बनाना है तो ऑब्वियसली हम टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम करते हैं, प्रोसेस को एक्सट्रीमली स्लो करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि वो रिवर्सिबल है। ठीक है, चलो अब यहां से जस्ट सुश्री प्रधान, मोस्ट दोनों क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम, कुछ लोगों ने बोला है ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम, सब लोग का अलग अलग व्यूज हैं। जरा मुझे यहां से थोड़ा सा प्रेशर कुकर के बारे में, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने मेरे ख्याल से इतना तो देखा ही होगा ना, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं है ना, ये यहां से इसका हैंडल लगा हुआ है, इस टाइप से हैंडल लगा हुआ जरा प्रेशर कुकर। अब इस प्रेशर कुकर में बच्चे आपने यहां से जस्ट देखा होगा क्लियरली कि जब आप यहां से राइस बनाते हैं तो स्टीम बाहर आती है ना, अगर स्टीम बाहर आ रही है, स्टीम बाहर आ रही है तो स्टीम का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, आप ये तो नहीं बोल सकते कि स्टीम का मास जो है वो जीरो है, जीरो है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम यहां से जस्ट देखिए स्टीम बाहर आ रही है तो सर ये ओपन सिस्टम है, डेड डैम श्योर है कि ये ओपन सिस्टम है, करेक्ट, और इट इज बट ऑब्वियस कि आप यहां से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें इट इज बट ऑब्वियस कि आप यहां से एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां से जब भी बात करते हैं बेटा तो प्रेशर कुकर में एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। प्रेशर कुकर क्लोज होगा बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज में टाइम मास में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अनिकेत का कहना है कि सर ये केमिकल के लिए चलेगा क्या बेटा, बाकी लोग बता दें अनिकेत को कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो जरा यार, अगर मैं यहां से जैसे इसके बारे में बात करूं तो इट इज बट ऑब्वियस यार, समझो ना मेरे बच्चे समझो, देखो मास जा रहा है ना, बात मास जा रहा है तो सर ये ओपन सिस्टम हो, प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम केवल तब तक हो सकता है जब तक उसमें स्टीम नहीं बनती है, प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम केवल तब तक हो सकता है जब तक उसमें स्टीम नहीं बनती है, और अगर स्टीम बन रही है स्टीम बाहर आ रही है तो सर ये ओपन सिस्टम है। अरे प्रेशर कुकर का काम ही है स्टीम बनाना, स्टीम को बाहर करना, तो क्लोज का तो सवाल ही नहीं उठता ना, आप अगर उसको घर में बंद करके रख देंगे दैट इज क्लोज, अगर आप बंद करके एकदम से रख देंगे तो दैट इज क्लोज, बट आपको बंद करके तो नहीं रखना ना प्रेशर कुकर को, आपको उसमें स्टीम बनानी है और स्टीम बनाने के बाद उसको बाहर निकालना, तभी तो खाना पकेगा, चलेगा? अच्छा हाँ, इसकी जस्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर, ये ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम नहीं है, प्रेशर कुकर आपका ओपन सिस्टम। हाँ, अगर वो बोले कि भैया स्टीम बाहर नहीं आ रही है तो डेफिनेटली आप बोल दीजिए कि ठीक है स्टीम बाहर नहीं आ रही तो क्लोज सिस्टम, स्टीम बाहर नहीं आ रही तो भाई बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। प्रेशर कुकर का मेन वर्क ही क्या है? स्टीम बनाना, स्टीम बनती है तभी तो खाना बनता है, और खाना बनता है तो स्टीम बाहर भी आती है, और बाहर आती है तो श्योर शॉट ओपन सिस्टम है। ठीक है, ओपन सिस्टम है, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। भवन मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बच्चे ना, बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो, है ना, आप लेक्चर प्रीवियस देखेंगे जाके तो आपको समझ में आएगा, मैं एक एक चीज क्लियर करते हुए इसीलिए चल रहा हूं ताकि कल के लिए आप इंटरव्यू में ना फंस जाए। मैंने 2023-24 अगर लिखा है तो ऑब्वियसली मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि शुरू में बच्चों का लेवल थोड़ा सा कम रहता है, तो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बहुत स्लो पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर कुकर का काम होता है स्टीम बनाना, प्रेशर कुकर का काम होता है, प्रेशर कुकर का काम होता है स्टीम बनाना। ठीक है, प्रेशर कुकर आपका क्या करता है? स्टीम बनाता है। मैं यहां से जस्ट बोल रहा हूं कि अगर मैं बॉयलर के बारे में बात करूं तो बॉयलर क्या करता है? बॉयलर भी तो स्टीम बनाता है।
नाउ द क्वेश्चन इज, अगर थोड़ा बहुत अगर आप सोच पाए तो व्हाट आई वांट टू से कि मैं बॉयलर को रिप्लेस करके क्या इसकी जगह पे प्रेशर कुकर लगा सकता हूं, क्या मैं बॉयलर को रिप्लेस करके इसकी जगह पे प्रेशर कुकर लगा सकता हूं, अगर मैं बॉयलर को रिप्लेस करता हूं तो क्या मैं इसकी जगह पे प्रेशर कुकर लगा सकता हूं, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से भाई। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर बॉयलर बहुत बड़ा होता है, प्रेशर कुकर बहुत छोटा होता है। मैं कह रहा हूं कि मैं प्रेशर कुकर उतना बड़ा बना दूंगा, जितना बड़ा बॉयलर होता है ना उतना बड़ा प्रेशर कुकर बना दूंगा, इतना मुझे पता है, है ना, इतना मैंने भी पढ़ रखा है, तुमने भी पढ़ रखा है, तो हम ये बना लेंगे। बट व्हाट आई वांट टू से कि मैं बॉयलर की जगह पे प्रेशर कुकर अगर मैं उतना बड़ा प्रेशर कुकर बना देता हूं तो क्या प्रेशर कुकर यूज किया जा सकता है बॉयलर की जगह पे, जल्दी से बताएं। प्लीज बताइए। नहीं नहीं, अच्छा अगर आपको कहीं पे भी ऐसा जस्ट बात करे कि हाँ सर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें पता है कि सर ये भी स्टीम बनाता है, ये भी स्टीम बनाता है, और मैं बड़ा सा जहां पे बॉयलर था उस बॉयलर की जगह पे मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, आपसे जस्ट पूछता है कि बॉयलर एक बहुत ही जस्ट कॉस्टली डिवाइस है, माउंटिंग लगाते हैं, सीरीज लगाते हैं, बहुत सारी चीजें लगाते हैं, और मैं बॉयलर को रिप्लेस करके प्रेशर कुकर लगाना चाह रहा हूं, क्यों लगाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर की कॉस्ट बहुत कम हो जा रही है। तो अब जब क्वेश्चन है कि सर हम कैसे नहीं कर पाते, बॉयलर में हीट का ट्रांसफर नहीं होता बट कुकर में होता है, तो अरे दोनों में बॉयलर का काम क्या है, बॉयलर में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो बॉयलर स्टीम कैसे बनाएगा, बॉयलर का काम ही होता है हीट लेके आपका स्टीम बनाना, बस कंफ्यूजन यहां पे जस्ट दिक्कत क्या होगी, अगर आप बॉयलर की जगह पर प्रेशर कुकर यूज करेंगे, बॉयलर हमेशा एक क्वालिटी स्टीम बना के देता है, ध्यान से देखिएगा, बॉयलर हमेशा एक क्वालिटी स्टीम बना के देता है कि आपकी स्टीम की क्वालिटी ये होगी, मतलब इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन इतना होगा, इतनी ड्राई हम बना के देंगे, सैचुरेटेड देंगे, सुपर हीटेड फॉर्म में देंगे, जिस फॉर्म में देंगे, तो बॉयलर हमेशा हमेशा एक क्वालिटी स्टीम बना के देता है। प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा कभी तो स्टीम बना के देता है, कभी हो सकता है राइस ही सीधे बाहर आ जाए, कभी हो सकता है पानी बहुत सारा बाहर आ जाए, तो प्रेशर कुकर के केस में जो आपके पास इश्यू आता है वो क्वालिटी इश्यू आता है, ठीक है, प्रेशर कुकर के पास जो इश्यू आता है वो क्वालिटी इश्यू आता है। तो दो इश्यू आएंगे अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे बॉयलर को प्रेशर कुकर से, तो आपके पास क्वालिटी एज वेल एज सेफ्टी दो चीजों के इश्यू आएंगे, ठीक है, क्वालिटी और सेफ्टी दो चीजों के इश्यू आएंगे, इस वजह से आप क्लियरली मना कर देना ना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वी कैन नॉट रिप्लेस द बॉयलर बाय प्रेशर कुकर सिंस देयर विल बी द इश्यू ऑफ क्वालिटी एज वेल एज यहां से सेफ्टी, करेक्ट। तो आपको कभी भी अगर यहां से ऐसा कुछ जस्ट बात करना हो तो आप डेफिनेटली इस बात को समझ सकते हैं, क्लियर है। चलो अभी ना हम लोगों ने यहां से सिस्टम के बारे में जस्ट बेटा बात की कि हमारे पास सर ये सिस्टम, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सब लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, है ना, अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि आपकी चीजें जो है ना वो मिस ना हो, ताकि आपकी चीजें जो ना मिस ना हो, ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप पता चला मतलब ऐसे लाइटली ले रहे और चलता जा रहा है, तो वो चीज अच्छी नहीं होती, है ना, वो चीज अच्छी नहीं होती। तो यहां से जस्ट आप बात करेंगे इनके, जस्ट मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन करा दिया बॉयलर। अच्छा एक बात बताओ, कोई और क्लोज सिस्टम का एग्जांपल, कोई और इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा है, क्या इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा है, ऐसा ही होता है, ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है, इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर आपने देखा है तो मुझे जस्ट बताएं, लास्ट स्लाइड में दे देता हूं, लास्ट स्लाइड ये रही, है ना, मेरे ख्याल से ये चाहिए होगी आपको, ठीक है, ये ले लीजिए, ये टाइप्स, यहां से अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से टाइप्स, ये और यहां से, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका ओपन सिस्टम होगा क्लोज सिस्टम होगा, ना, बिल्कुल श्योर शॉट है यार, इसमें तो कुछ नहीं है ना, आप यहां से जस्ट एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे होंगे ना, तो हमारी सर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है,
और एनर्जी ही आपकी बाहर हीट के फॉर्म में आ रही है, ठीक है, एनर्जी ही बाहर वो हीट के फॉर्म में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होगा वो आपका क्लोज्ड सिस्टम होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होगा वो आपका क्लोज्ड सिस्टम होगा। कहीं पे भी अगर आपसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होगा वो कौन सा सिस्टम होगा, तो डेफिनेटली इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। पॉइंट इज ओके, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, एक तरफ से सबको क्लियर है। यस, ये चीज तो कम से कम सबने एक साथ एक एक आवाज दी, सबकी एक आवाज। अच्छा चलो, हमने इतनी बातें तो सर कर ली, हमने ना इतनी बातें कर ली, हमने सिस्टम देखा, सराउंडिंग देखा, बाउंड्री देखा, टाइप्स ऑफ सिस्टम देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको वैसे भी बता दिया था कि अगर हम यहां से सिस्टम सराउंडिंग की जो भी स्टडी करते हैं ना, वो हम एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, करेक्ट। हमने जस्ट बोला था कि हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं और माइक्रोस्कोपिक पे अप्लाई करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है, मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं। वैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, बट फिर भी अगर आपको नहीं क्लियर है तो मैं जस्ट यहां से बता देता हूं। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक स्टडी के बारे में बात करें, माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहा है, मैक्रो का मतलब है एवरेज बिहेवियर की बात कर रहा है। तो हम यहां से बहुत क्लियरली बोलते हैं कि स्टडी ऑफ, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल कम्स अंडर माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हम यहां से जस्ट बात करते हैं इसके बारे में, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, अगर हम यहां से लिखें, दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। ये इंडिविजुअल बिहेवियर की जो स्टडी है इसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर ये इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहा है तो इसका मतलब हम मॉलिकुलर लेवल पर जा रहे हैं, और मॉलिकुलर लेवल पर आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने एक स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट जब पढ़ा होगा तो कुछ इस टाइप से एवरेज निकालते थे, याद होगा, x1 प्लस x2 12 सबने किया है, मेरे ख्याल से सबने किया है, यहां से डिवाइड बाय n करते। तो हम क्या करते थे, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल को उठाते थे, और जब सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल को उठाते तो इंडिविजुअल अप्रोच लगाते थे। इसी वजह से बच्चे हम यहां से इसको जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है इसको हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। ये जो हमारे पास है दैट इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसको हम स्टैटिस्टिकल। इसके अलावा अगर हमसे जस्ट बात करना शुरू करें कि जब हम यार इंडिविजुअल बिहेवियर एक एक मॉलिक्यूल की बात करना चाह रहे हैं तो इट इज बट ऑब्वियस कि हम इसको, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका इंडिविजुअल बिहेवियर निकालना है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल इतना ज्यादा टाइटली क्लोज है कि मैं सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो हम यहां से क्या चाहते हैं कि जिसकी डेंसिटी कम हो, फॉर एग्जांपल एयर है, तो एयर के केस में हम इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाते हैं तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की स्टडी हमेशा लो डेंसिटी पे करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की स्टडी हमेशा लो डेंसिटी पे करते हैं। और लो डेंसिटी हमेशा हमेशा जब भी हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो आपको लो प्रेशर मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा तो प्रेशर की वजह से आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो हमेशा लो डेंसिटी आपको हाई एल्टीट्यूड पे मिलती है, ध्यान रखिएगा कहीं पे अगर आप कंफ्यूज होते हैं, लो डेंसिटी हमेशा हाई एल्टीट्यूड पे होती है। तो अगर कहीं पे भी आपको पूछे माइक्रोस्कोपिक स्टडी, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल कम्स अंडर माइक्रोस्कोपिक स्टडी, और माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमने यहां से बोला स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, लो डेंसिटी पे करते हैं एंड हाई एल्टीट्यूड पे करते हैं। सिमिलरली अगर मुझसे यहां से मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में बात करना शुरू करता, ठीक है, अगर मुझसे यहां से मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में बात करना शुरू करता तो मैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में बात करता, ठीक है। इसमें हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बात नहीं करते, इसमें हम एवरेज बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। इसके केस में हम एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसमें हम इंडिविजुअल बिहेवियर को कोई भी डिस्कशन नहीं करते। एवरेज बिहेवियर की वजह से हम जब एवरेज बिहेवियर लेते हैं तो इसको अब हम स्टैटिस्टिकल तो बोल नहीं सकते, हम इसको बच्चे क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं, हम इसको क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं, क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल वाले बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा व्हाई वी से इट इज अ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ते हैं ना कि सर मैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स
पढ़ना चाह रहा हूं। तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स हम इसीलिए बोलते हैं, इट इज क्योंकि एवरेज बिहेवियर लेते हैं, यही हमारी स्टडी है। हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पे अप्लाई करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि शादी के लिए जब आप लड़की देखने जाते हो तो वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, मतलब बताया जाता है लड़की बहुत अच्छी है, सब सर्वगुण संपन्न, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कुछ बताया जाता है। लेकिन जब आप उसके साथ रहना शुरू करते हो तब आपस में एक दूसरे के गुण पता चलते हैं, चाहे वो लड़की पे अप्लाई हो चाहे वो लड़के पे, तब एक दूसरे के गुण पता चलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, तब हकीकत सामने आती है ना। तो हम मैक्रोस्कोपिक पढ़ते हैं और माइक्रो पे अप्लाई करते हैं। ये आगे क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। तो हमने यहां से क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब इसमें लो डेंसिटी हाई डेंसिटी का कोई मतलब मसला ही नहीं है। तो आप यहां से जस्ट बात कर सकते हैं कि सर इसको हम लो डेंसिटी हाई डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, तो इसको चलो नहीं लिखेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट रिपीट करना, देखो सेकंड पॉइंट कुछ नहीं बेटा, हम एक्चुअल में इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में हमने एक का कोई वैल्यू ले लिया एक्स वन, दूसरे का वैल्यू ले लिया एक्स टू, तीसरे का वैल्यू ले लिया एक्स थ्री, मुझे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एवरेज चाहिए। तो मुझे जब भी एवरेज चाहिए होता है तो एवरेज में हम क्या करते हैं, यहां से एन से डिवाइड करते हैं, इनका सम करते हैं, और ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है वो स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स होती है। और तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हमेशा इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और जब स्टैटिस्टिक्स में हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं तो इसी से हमने नाम लिया है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है प्रणव वर्मा, ठीक है। इसी से हमने बच्चे लिया है क्योंकि हम यहां पे सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक आई होप सबको क्लियर होगा कि एवरेज बिहेवियर लेते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर लेते हैं, लो डेंसिटी पे हाई एल्टीट्यूड पे करते हैं, और ये क्लासिकल अप्रोच है, इसीलिए हम इसको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, और बेसिकली हमें यही पढ़नी है, बेसिकली हमें यही पढ़नी है। चलो ये तो था आपका बेटा यहां से माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। क्लास 9:30 तक करूं एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्लास अगर 9:30 तक करूं तो फिर मैं कुछ और पढ़ा देता हूं, और अगर ऐसा नहीं है तो आपके कमेंट चले जाते हैं अचानक से, पता नहीं क्या हो जाता है, इसको गुस्सा हो जाता है, आप ही की क्लास में गुस्सा होता है। जल्दी से बताएं, क्लास हम लोग 9:30 तक कर लें क्या? यस कर सकते हैं, चलेगा? चलो चलो, अभी ना हमने यहां से बेटा जस्ट माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक स्टडी के बारे में बात करना शुरू की, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें इसी में बेसिक कॉन्सेप्ट में छोटी छोटी चीजें अभी देखनी पड़ेंगे। हाँ पवन कुमार बेटा, 8 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है, शाम को 8 बजे डेली ये क्लास स्टार्ट होती है, शाम को 8 बजे आप मुझे मिला करिए, है ना। चलो अभी ना थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने यहां से जस्ट बोला कि ठीक है सर इतनी बात तो मुझे पता चल गई, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं यहां से बात करना शुरू करूं तो एक और छोटा, हाँ भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां से जस्ट जो बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता क्या है, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। अब जरा प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम के बारे में अगर मुझसे पूछता है तो मैं बोलता हूं भैया प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैं हूं, आप एकदम से बोलोगे सर आप बहुत मोटे हो तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आपने कैसे देखा, मुझे देख के बताया, आपने मुझे एक लोग से कंपेयर किया, देख के बता दिया। कोई चीज अगर एकदम से हॉट है तो आपने कैसे टच करके या कहीं ना कहीं मीजर करके बताया कि सर बहुत हॉट है या गर्मी है, सर हॉट नहीं है, मतलब मैं एक चीज के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो हम यहां से बेटा क्या बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक जिसको आप मीजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला प्रेशर, मीजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मीजर कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम मीजर कर सकते हैं, डेंसिटी मीजर कर सकते हैं। तो एनी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक इज नॉन एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जब भी आपसे यहां से बात करेगा सर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होती है तो आप बहुत क्लियरली बोलेंगे सर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज नथिंग, इट इज व्हाट एनी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक। इसके बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सर ये कुछ नहीं है, एक हमारा मीजरेबल करेक्टरिस्टिक है, एनी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है।
यानी मीजरेबल करेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब आप बोलोगे सर मीजरेबल करेक्टरिस्टिक का मतलब, आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, सर सारे तो प्रॉपर्टी है। यस, सारे के सारे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है। अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना शुरू करें तो प्रॉपर्टीज हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक हमारी होती है बेटा यहां से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब जरा दोनों के बारे में मतलब समझिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब अगर हम यहां से इंटेंसिव की बच्चे बात करेंगे तो इनको कहीं कहीं पे आपको इंट्रेंसिक भी लिख के देता है ना, एक हमारे पास यहां से इंट्रेंसिक भी लिख के देता है। ठीक है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज, और इनको बेटा कहीं कहीं पे आपको एक्सट्रेंसिक भी लिख के देगा, एक्सट्रेंसिक भी लिख के देगा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वो क्या बात करना चाह रहा है। अच्छा, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं तो कोई ऐसा तो नहीं कि बोर हो जा रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बोर हो जा रहे हो, ऐसा मुझे बता देना। तो मैं थोड़ा सा आज हाइड्रोलिक मशीन की क्लास नहीं है, ठीक है, आज हाइड्रोलिक मशीन की क्लास नहीं है, कुछ बार बार टेक्निकल इशू आ रहा है। कल नाइट में फुल नाइट नेट नहीं आया था, आज हाइड्रोलिक मशीन की क्लास नहीं है, कल सुबह हीट ट्रांसफर की क्लास नहीं होगी, परसों से हीट ट्रांसफर की क्लास होगी, थोड़ा सा इशू है, अभी तो जस्ट मैनेज है और कहीं ना कहीं से नेट चला जाता है बार बार, तो इस वजह से मैं अभी रोका हूँ, है ना। अभी ये चल रहा है, मुझे नहीं पता कि कब तक चलेगा, तो इसलिए आज हाइड्रोलिक मशीन की क्लास नहीं, कल से आपकी दोनों चीज़ें, परसों से दोनों चीज़ें होंगी, कल नहीं है, कल सुबह सुबह हीट ट्रांसफर की क्लास नहीं, उसकी जगह सुमित सर की क्लास होगी 7:30 बजे। ठीक है, जितने भी केमिकल वाले बच्चे हैं कल सुबह सुबह सुमित सर की क्लास होगी केमिकल के लिए, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, अच्छा बोर बोर नहीं होते ना, सब कुछ चल रहा, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कि आप लोग मतलब ऐसा ना हो जाए कि अरे सर पता नहीं क्या करे जा रहे। अब सुनो मेरी बात, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें या इंट्रेंसिक एक्सटेंसिव के बारे में बात करें, सर क्या है ये इंटेंसिव? भैया इंटेंसिव का मतलब कुछ नहीं, बस उसने डिफाइन कर, जैसे ब्लैक और व्हाइट के बारे में बात, क्या है ब्लैक और व्हाइट? कुछ नहीं, इसका कोई प्रूफ है क्या मेरे पास? मुझे बचपन से बताया गया कि ये ब्लैक तो ये ब्लैक है, मुझे बचपन से बताया गया कि ये व्हाइट है तो ये व्हाइट, करेक्ट। इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक की अगर हम यहां से जस्ट इसी स्पीड से कंटिन्यू करें, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यहां से इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक है क्या बेसिकली वो मुझे पता होनी चाहिए। मैंने बोला कि ये जो होती हैं दीज प्रॉपर्टी, जो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं साइज और मास की, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ साइज एंड मास, ठीक है, साइज और मास ये इंडिपेंडेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहीं से जस्ट आगे बात कर सकते हैं कि अगर इसके बारे में बात करें तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं दीज डिपेंड्स ऑन साइज एंड मास, ठीक है, डिपेंड्स ऑन साइज और मास, ठीक है, ये एक्चुअल में साइज और मास पे डिपेंड करती हैं। चलो हमने यहां से इतनी बात पता कर ली, ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोनों हमने देख लिया कि सर जो मास पे डिपेंड कर रहा है, जो मास पे डिपेंड कर रहा है वो हमारा एक्सटेंसिव है और जो मास के इंडिपेंडेंट है वो एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। अब यहां से बात करते हैं सर कैसे समझेंगे इस बारे में। देखो जब भी समझना है तो मैं आपको एक बेसिक फंडा दे देता हूं, हर जगह आपका ये फंडा गिवन है, तो ये बेसिक फंडा आपको यहां से मैं बता देता हूं। आपको यहां से एक चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि भैया जो साइज पर डिपेंड करेगा, मतलब साइज के साथ साथ जो बदल गया वो एक्सटेंसिव है और साइज बदलने पर भी जो नहीं बदला वो इंटेंसिव है। आपने बोला कि हाँ ठीक है सर, आपने बोला है तो कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा। मैंने कहा हाँ चलो सोच के ही बोल रहा हूं। अभी ना एक रूम था, इस रूम को मैं फर्दर जब आगे चलूंगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड कराऊंगा, ठीक है, दो पार्ट में इस रूम को मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब आपको मैं यहां से कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने बोला कि देखो ऐसा है, इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं, लेट सपोज इस रूम में एक कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ वॉल्यूम है, इस रूम का कुछ मास है, कुछ इसमें एयर है उसकी कंडक्टिविटी है, कुछ डेंसिटी है, कुछ इस रूम के अंदर एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो है सब कुछ, है ना, ऐसा हमने ले लिया। अब मुझे यहां से पता चला कि मुझे ना इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड करना, और यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो साइज, जैसे ही साइज बदलेगा तो कुछ लोग तो बदलेंगे, ऐसा ही होता ना, जब आपके साथ कुछ मुसीबत आती है तो कुछ लोग तो बदलते हैं ना, जो कुछ लोग बदलते हैं वो एक्सटेंसिव होते हैं,
जो कुछ लोग नहीं बदलते हैं वो इंटेंसिव होता है। तो अब आप समझ गए कि जिंदगी में जो समय के साथ जैसे आपका टाइम खराब आया तो एकदम से बदल गया है ना, अब बदल गया तो आप समझ जाना कि वो एक्सटेंसिव है, ठीक है। और जो नहीं बदला, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा, वही तुम्हारा इंटेंसिव दोस्त है, ठीक है। अब सुनो भाई, हमने यहां से बोला कि अगर मैं रूम में, एक रूम है, इस रूम में मैं बीच में पर्दा डाल देता हूं, साइज चेंज किया, केवल साइज चेंज किया है, क्या रूम का कभी प्रेशर चेंज होगा? अरे जितना इधर था उतना ही उधर रहेगा, हमने पर्दा ही तो डाला है, हमने रूम को कंप्रेस थोड़ा ना किया है। अगर ऐसा है तो मुझे यह चीज क्लियर हो गई कि सर प्रेशर विल रिमेन सेम, प्रेशर तो सेम है। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो सर टेम्परेचर हमेशा हमेशा हमारा सेम रहेगा। वॉल्यूम के बारे में अगर हम यहां से बात करेंगे तो सर वॉल्यूम आधा हो जाएगा क्योंकि आपने रूम में पर्दा डाल दिया है, वॉल्यूम आपका हाफ हो जाएगा। आप यहां से बहुत ध्यान से देखेंगे तो सर वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर है, वॉल्यूम आपका हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मास के बारे में बात करूंगा तो सर मास आपका हाफ हो जाएगा, मास आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी, अरे कंडक्टिविटी क्या, ये पेन को बीच से काट दोगे तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ा ना बदलने वाली है। अब पानी की बोतल से आधा पानी पी लेते हो, आधा पानी बचा रहता तो वो कंडक्टिविटी थोड़ा ना बदलती, पानी तो वही रहने वाला। तो यस वही सेम आपका डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी भी वही रहने वाली है, लेकिन हाँ एनर्जी पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? एनर्जी तो फर्क पड़ जाएगी भाई। अब एक रूम थे, एक रूम में 20 लोग थे, हमने देखा कि मेरी लड़ाई होने वाली, तो मैंने क्या किया, बीच में गेट डाल दिया है ना, या बीच में हमने क्या किया पार्टीशन डाल दिया। अब 10 लोग बचे तो अब 10 लोग के पास कम पावर हुई ना, तो मैंने बोला एनर्जी भी डिवाइड हो जाएगी, करेक्ट। और अगर एनर्जी डिवाइड हो जाएगी तो जो नहीं बदला वो हमारे पास क्या है, दिस इज, जो नहीं बदला वो हमने यहां से बोला कि सर इंटेंसिव, जो नहीं बदला वो इंटेंसिव, जो बदल गया वो एक्सटेंसिव, जो बदल गया वो हमारे पास सर एक्सटेंसिव। ये बदल गए, ये वाले एक्सटेंसिव, ठीक है, ये वाले एक्सटेंसिव। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर कौन सा इंटेंसिव है, कौन सा एक्सटेंसिव है। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैसेज रिट्रैक्टेड। तो मुझे एक बार पहले क्लियर कर दें, उसके बाद ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है सब? चलो अब आ रही है, ठीक। तो बच्चे हमने यहां से बोला कि सर ये हमारे पास हो गए एक्सटेंसिव इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव को पहचानने का बिल्कुल सीधा सा तरीका है कि आप क्या करोगे, हमेशा एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स में पार्टीशन डालोगे, जैसे ही पार्टीशन डालोगे जो बदल रहा होगा आपको दिख जाएगा कौन कौन बदल सकता है, ठीक है, वो एक्सटेंसिव है। अब यहां से इसका मतलब मैंने बिल्कुल क्लियरली समझा कि मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सर इसका मतलब जो मास डिपेंडेंट होते हैं, जो साइज डिपेंडेंट होते हैं वो बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम बदला था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा मास बदला था, फॉर एग्जाम्पल हमारी एनर्जी बदली थी, सर ये सारे के सारे। तो जितने भी मास डिपेंडेंट, मास का मतलब मॉलिक्यूल्स पे भी आ सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स डिपेंडेंट, ध्यान से, जैसे एनर्जी, एनर्जी किस पे डिपेंड, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट है। तो हमें यहां से क्लियर हुआ कि सर जो मास डिपेंडेंट है वो हमेशा हमेशा, अब यहां से कंफ्यूजन आ सकता है सर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और मास अपॉन वॉल्यूम है तो सर ये भी तो एक्सटेंसिव होनी चाहिए क्योंकि मास डिपेंडेंट है। एक्चुअल में क्या है, आप यहां से जब भी देखेंगे ये आपके पास एक्सटेंसिव है, ये आपके पास एक्सटेंसिव है, और जब भी आपको यहां से रेशियो मिल जाए तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज आप लिखेंगे सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, हमेशा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो मैं यहां से फर्स्ट जो लाइन मुझे मिली वो मैंने यहां से क्लियरली बोला कि सर इसका मतलब रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
ये हमेशा हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा सर और हम क्या याद रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा हम यहां से क्या याद रख सकते हैं। मैंने बोला कि देखो ऐसा है, यहां से बस एक चीज और देखनी है, अगर मैं डेंसिटी को लिखना चाहूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम था, इसको अगर मैं चाहूं तो 1 बाई वॉल्यूम बाई मास लिख सकता हूं, और 1 बाई ये हमारे पास कितना आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। अगर हमने यहां से जस्ट देखा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाई डेंसिटी, अगर ये इंटेंसिव है तो इसका मतलब फिर ये भी इंटेंसिव होगा, ठीक है। अगर एक हमारे पास इंटेंसिव है तो दूसरी भी हमारे पास क्या होगी, इंटेंसिव। इसका मतलब जितनी दुनिया में आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी, दुनिया में कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको स्पेसिफिक लगा मिल जाए तो आप समझ जाना इंटेंसिव है। स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, जो भी बात करेगा वो सारे के सारे क्या है बेटा, आपका स्पेसिफिक, जितने भी स्पेसिफिक लगे मिल जाएंगे, वहां से आप क्लियर है, वहां से आप बिल्कुल क्लियर है कि आपका इंटेंसिव होगा ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये एक और पॉइंट मिल गया। और बच्चे अगर हम यहां से जस्ट थोड़ा सा बात करना शुरू करें तो मैं एक बात बताऊं, जैसे आपको एंट्रोपी के बारे में बात करते थे, एंट्रोपी हमेशा ध्यान रखना, एंट्रोपी मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होती है, ठीक है, एंट्रोपी मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होती है, तो एंट्रोपी हमेशा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितने लोग जितने, जैसे इंटरनल एनर्जी, कितनी भी एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, सारे मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड है, तो सारे के सारे जितनी भी एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेंगी, हमेशा ध्यान रखना। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ऑफ एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सारी की सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, हमेशा ध्यान रखना, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम यहां से थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दे काइनेटिक एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दे इंटरनल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दे जो भी प्रेशर एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज की बात करें सर, सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अच्छा नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। हमने बोला कि ठीक है सर, इतनी बात तो आपने मुझे बताई दी, अब मेरी बात सुनना जरा, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं, फिर से मामा जी को लाते हैं घर पे, है ना, आपका ये रूम है, आपका ये रूम है और इसमें आपके मामा जी आए, ठीक है, ये आपका रूम है और इसमें आपके मामा जी आए। अब मामा जी आए तो मामा जी ने बोला कि बेटा ना मेरा ना गला थोड़ा सा खराब है और एक काम करो मेरे लिए पानी ला दो। आपने बोला कि हाँ मामा जी अभी लेके आए पानी, तो मामा जी ने बोला कि एक काम करो तुम जो पानी ला रहे हो ना वो गर्म पानी लाना, है ना, तुम एक काम करना जो पानी लाना वो गर्म पानी लाना, तुम इधर से आए, यहां पे किचन था, यहां पे किचन था और तुमने यहां से क्या किया, पानी को गर्म करना शुरू किया। तो तुमने कहा कि मामा जी ने एक बार हमको बहुत ज्यादा मारा था, आज हम देखते हैं मामा जी को, तो तुमने क्या किया, नॉर्मल जैसे सीधे सीधे नल से लगा दिया बिना आरओ वाटर, है ना, आज मैं इनको आरओ वाटर दूंगा नहीं, इनका पेट भी खराब करूंगा, है ना। तो तुमने क्या किया, यहां से आरओ वाटर छोड़ो, आरओ वाटर छोड़ो, चलो हमने यहां से बोला कि पानी मुझे गर्म करना था, तो तुमने यहां से गैस रखी थी, अब तुमने गैस पे गर्म नहीं किया, तुमने क्या किया, इमर्सन रॉड होती है जिससे सर्दियों में पानी गर्म किया जाता है ना, या गीजर लगा रहता था, तुम क्या गए, मतलब वहां पे किचन के बगल में वॉशरूम भी था, तुमने गीजर से क्या किया, पानी निकाल लिया सीधा, गीजर गर्म करो, ये इमर्सन रॉड लगा दी, ये पानी का आपके पास पैन था, इसमें आपने इमर्सन रॉड लगा दी, है ना। जब आपने इसमें इमर्सन रॉड लगा दी तो इमर्सन रॉड से पानी आपने गर्म किया, जब इमर्सन रॉड से पानी गर्म किया वो पानी ऑब्वियसली मामा जी को चाहिए था कि पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे अवेलेबल है और मामा जी को पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पीना था, 60 डिग्री सेल्सियस पे पीना था, आपने पानी गर्म किया और मामा जी को दे दिया आके। अच्छा मामा जी को अगर इमर्सन रॉड का पानी दोगे आके, अब पता चला मतलब कोई किसी के मामा जी देख रहे हो तो वो खतरनाक तरीके से मुझे बाद में मतलब मेरे ही देख रहे हो, है ना, तो हम तो मतलब ऐसे ही थे शुरू से खतरनाक टाइप के। तो हुआ क्या, अब मामा जी को सोचो इमर्सन रॉड वाला पानी दे दिया, मामा जी को पता चलेगा क्या, वाकई में ऑनेस्टली बताना, क्या मामा जी को यह बात पता चलेगी कि तुमने पानी कैसे गर्म किया। बस मेरा क्वेश्चन यह है
क्या उनको यह बात पता चल सकती है कि तुमने पानी कैसे गर्म किया था? उनको नहीं पता चलेगा, उनको नहीं पता चलेगा, गारंटीड है उनको नहीं पता चलेगा। तो उन्होंने मामा जी खुशी खुशी है ना, मामा जी खुशी खुशी लिए लो तुम पानी पकड़ो, मामा जी खुश। हाँ बच्चा बड़ा सुन, बड़ा समझदार बच्चा, बच्चे ने मुझे पानी दे दिया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बाई चांस मामा जी यहां आ गए होते, है ना, यहां आ गए होते और वो तुम्हारा कांड देख लेते, है ना, कि तुम कर क्या रहे थे, तो डेफिनेटली तुम्हारा साथ फिर से उसी दिन सेम कांड होना था जो पहले उन्होंने कभी किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस वाटर से 60 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाना चाह रहे हैं, तो आपने चाहे तो वो गैस से गर्म कर दो, चाहे तो आप गैस से गर्म कर लो, चाहे आप इमर्सन रॉड से गर्म कर लो, इमर्सन रॉड से गर्म कर लो, है ना, या आप यहां से दूसरा मतलब कहीं से बाहर चले गए थे, ऐसे ही आपने देखा था बाहर गर्म पानी रखा हुआ था, वो वाला पानी लेके चले आओ। अल्टीमेटली हो गई होगी आपकी क्लास है तो फूफा जी को आना ही है। अच्छा ऐसा, सुनो सुनो, हाँ अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि आप दुनिया में कोई सा भी पाथ फॉलो कर लो, वॉटर को केवल इससे मतलब है कि मैं जब 20 डिग्री सेल्सियस पे था तो मेरी प्रॉपर्टी जो थी, मेरी प्रॉपर्टी मामा जी की, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं, वाटर को केवल मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरी कंडक्टिविटी इतनी होगी, मेरी डेंसिटी इतनी होगी, मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना होगा, इसकी प्रॉपर्टीज 20 डिग्री सेल्सियस पे ये थी। सिमिलरली वॉटर को यह बात भी पता है कि 60 डिग्री सेल्सियस पे इसकी प्रॉपर्टीज इतनी होंगी। इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम इसको किस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हो, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम इसको किस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हो। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रॉपर्टी कभी भी पाथ पर डिपेंड करती ही नहीं है, प्रॉपर्टी केवल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, समझ गए? तो हम यहां से जो लिखने जा रहे हैं, मुझे यही बात समझानी थी, इसलिए बेचारा यहां से मतलब मामा जी को बीच में लाना पड़ा। तो व्हाट आई वांट टू से, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली ऑन पॉइंट्स, ठीक है, ये केवल केवल एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई, दैट इज, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती है बेटा, पॉइंट फंक्शंस होती हैं। पॉइंट फंक्शन को आप ये भी बोल सकते हैं, सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है, ठीक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव छोड़ दो, अब तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव से कोई लेना ही देना नहीं है ना, कोई लेना ही देना नहीं है ना, कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, कोई सी भी प्रॉपर्टी, वो केवल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, केवल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। यहां से मास इतना था, पानी का मास इतना था, यहां पर आपने हीट अप किया, वहां से दोबारा दे दिया कि सेम मास, ठीक है। तो हमने यहां से जस्ट बोला कि सर वो किसी पर डिपेंड करेगा ही नहीं, वो करेगा ही पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट पे डिपेंड करती है या स्टेट पे डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। और अगर ये पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर यहां का टेम्परेचर T1 है, यहां का टेम्परेचर T2 है, तो हमेशा जब भी हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे dT, तो dT हमारा पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, और जब पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा तो बेटा हम इसको डायरेक्टली T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। किसी भी पाथ फंक्शन को, ध्यान रखिएगा, किसी भी पाथ फंक्शन को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इसको हम हमेशा पॉइंट फंक्शन को ही लिख सकते हैं। सो हम यहां से लिख सकते हैं फॉर अ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की अगर आप बात करेंगे, किसी भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो भी आपसे यहां से चेंज इन प्रॉपर्टी की बात करेंगे, चेंज इन प्रॉपर्टी कोई सी भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, चेंज इन प्रॉपर्टी, ठीक है। और हमने यहां से बोला कि x, तो इसका मतलब यह है कि हम इसको dx लिख सकते हैं, और इसको मैं डायरेक्टली यहां से x2 माइनस x1 लिख सकता हूं, इसको मैं डायरेक्टली यहां से x2 माइनस x1 लिख सकता हूं। और x2 माइनस x1 लिखने की वजह से दुनिया की सारी प्रॉपर्टीज को आप यहां से बोलते हैं, प्रॉपर्टीज आर
एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, इस बात को फील कर लीजिएगा कि प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली डिफरेंशिएट की जा सकती हैं, इसी वजह से प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ आ गई होगी, डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये बात दिमाग में घुस जानी चाहिए कि व्हाई वी से प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि वो केवल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, आप उनको एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहां से देखो डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे, अगर ये पाथ फंक्शन होता तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख पाते, फॉर एग्जाम्पल आप यहां से डी क्यू को नहीं लिख सकते, आप यहां से डी क्यू को नहीं लिख सकते, अगर डी क्यू यहां से लिखते तो आप यहां से क्यू टू माइनस क्यू वन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, ये चीज मैं आपको तब बताऊंगा आगे, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। एक और चीज, अगर यहां से जस्ट बात करें, मामा जी गुस्सा हो गए, मामा जी आपके गुस्सा हो गए, आपने बोला, उन्होंने बोला ये कैसा पानी है, वापस कर दो, पानी 60 से फिर से 20 पे आ गया, ठंडा हो गया, फिर से वही वाटर बन गया, तो किसी भी प्रॉपर्टी का अगर आप साइकिल कंप्लीट कर देते हैं तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज ऑलवेज जीरो, हमेशा ध्यान रखिएगा, साइक्लिक इंटीग्रल की बात करेंगे फॉर एनी प्रॉपर्टी, यहां से आप बोल सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल, जब ये प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली साइक्लिक इंटीग्रल इसका बदलेगा ही नहीं, सेम आ जाएगा, ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी मतलब हमने इसी पॉइंट पे अगर स्टेट उसी स्टेट पे दोबारा आ गए इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, तो ये ऑलवेज कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, ऑलवेज आपके पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब आप यहां से लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएक्स इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट, अगर आप इसको समझ सकते हैं फील कर सकते हैं तो बहुत मजा आएगा, नहीं कर पाएंगे तो मतलब आपको परेशान कर देगा, ठीक है, आपके ये कई जगह पे यूज होंगे, कई जगह पे यूज होंगे, ठीक है, ये इतने पॉइंट हैं जो आपको प्रॉपर्टीज के बारे में याद रखना, सबसे पहले रेशियो ऑफ, मैंने यहां से बिल्कुल क्लियरली बोला, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली ऑन एंड पॉइंट्स, दैट इज द प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन स्टेट फंक्शन, प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, तो इनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और साइक्लिक इंटीग्रल फॉर एनी प्रॉपर्टी इज ऑलवेज जीरो, पाथ फंक्शन कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, हीट और वर्क जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो पाथ फंक्शन है, ठीक है, हीट एंड वर्क प्रॉपर्टीज नहीं है, वो आपके पाथ फंक्शंस हैं, बहुत क्लियरली, ठीक है, और अगर आपको लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को पसंद आता है तो एक दो कमेंट कर दिया करो यार, लेक्चर में कोई भी कमेंट ही नहीं करता कि कैसा लगा क्या लगा, कम से कम हमको भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ तुमको अच्छा लगा, कितनी देर लगती है, अच्छा इतनी देर अगर मैं डेढ़ घंटे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, है ना, जान निकाल के अंदर से कलेजा बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो कम से कम एक मिनट का टाइम तो दे सकते हो ना, कभी दिन में, कल दिन में खोल के एक बार उस पर एक कमेंट कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना यार, कम से कम इतना तो बनता है ना, इतना तो मेरा हक बनता है। अब यहां से सुनो मेरी बात, हमने ना बेटा यहां से प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम बताई, दो टाइप की प्रॉपर्टी, एक थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में कभी कभी आपको कंफ्यूज कर लेता है, थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी और आती, दैट इज नोन एज थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी जनरली आपको अगर कभी कंफ्यूज करे, जिसको आप हीट ट्रांसफर में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं चल के, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी इज नथिंग, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, यहां से जस्ट चलो, तो अगर हम यहां से जस्ट बेटा बात करें तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हमने बहुत क्लियर समझा कि सर वो प्रॉपर्टी, थर्मो का मतलब क्या है, अरे टेम्परेचर से बात कर लिए ना, वो प्रॉपर्टी सर जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने यहां से बोला द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है इज नोन एज थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। अब टेम्परेचर पर जो डिपेंड कर रहा हूं, डेंसिटी डिपेंड कर रहा है, कंडक्टिविटी डिपेंड कर रहा है ना, हमने बहुत सारी सारे जैसे डिफ्यूजिबिलिटी होता है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां से जस्ट लिख सकते हैं कि सर फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेंसिटी हो गया, है ना, कंडक्टिविटी हो गया, दीज आर थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, करेक्ट।
तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा जस्ट सारी चीज़ें समझाते हुए चल रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, और आई होप मतलब इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे पढ़ाऊंगा तो फिर मतलब टाइम चला जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ तक बता दें, यहाँ तक मुझे एश्योर कर दें कि सब कुछ क्लियर है। उसके बाद हम लोग कल जस्ट बात करेंगे फिर इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो मुझे एक बार जल्दी से बता दें कि क्लियर है, इज एवरीथिंग फाइन अप टू हेयर, और अभी तक तो कुछ डिप नहीं हुआ है नेट वगैरह में, तो कोई इशू नहीं। कल हमारा यहाँ से फ्लूड मशीन्स का क्लास सेम टाइम पे 9:30 बजे जैसा था वैसा ही होगा, आज नहीं होगा, ठीक है। तो बता दें मुझे जल्दी से, मुझे बता दें कि हाँ यहाँ तक सब कुछ ओके है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से, शुरू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लेना है तो यस डेफिनेटली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये आपके पास यहाँ से टाइप्स ऑफ सिस्टम से मैं डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। चलो, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, this is sixth, this is seventh, this is eighth, this is ninth, and this one is ten, ठीक है। चलो बाकी आप लोग का कमेंट का मैं वेट करूंगा, आप वीडियो फिनिश होने के बाद कभी दिन में कल टाइम मिले आपके पास, आपका एक मिनट बहुत कीमती है, तो अगर आपको मिले तो डेफिनेटली आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, सब लोग मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, है ना। और ये जो पूरा का पूरा वीक चल रहा है इसमें ऑफर चल रहा है 10+10 का, तो दोज हु वांट टू टेक, जिनको 2023-2024 का प्लान करना है वो डेफिनेटली ले सकते हैं 2024-2023 के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू। तो आप मेरा कोड जो है वो याद रखिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि दिस इज माई कोड, दैट इज त्यागी 100, ठीक है। इसका यूज करने पे आप मेरे साथ रहेंगे, बाकी की गाइडेंस वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कैसे करना, ठीक है। तो चलो, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सब लोग मस्त रहिए, और इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट पे कल मिलेंगे, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।